चलिए आप सभी का एक बार फिर से हम अपने राजेंद्र एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं और सभी का हमारा प्यार भरा नमस्कार। और जो लोग अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं वो जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। आप अपने लोगों तक क्लास को शेयर करते रहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके हमसे। बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, हम उनको देख भी रहे हैं, और लेकिन मैं चाह रहा हूँ और जो लोग बचे हुए हैं वो लोग भी जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। जो लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधा यादव जी, दीपक मध्यसिया जी, अरुणा जी, ममता बघेल जी, और जी हाँ ममता जी गुड मॉर्निंग। आप सभी का हम अपने राजेंद्र आर्ट अकाडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी लोग आसानी से जुड़ चुके होंगे। अभी तक केवल 8 लोग हमसे जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि आप और लोग जल्दी से जल्दी जुड़ें, जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द आप लोग जुड़ें। जैसा कि ममता बघेल जी कहना है कि सर जी अब आप पार्थ पर नहीं हैं क्या? जी नहीं ममता जी, इस समय ये मेरा खुद का अपना निजी चैनल है राजेंद्र आर्ट अकाडमी, और हम इसमें आपके साथ राजेंद्र आर्ट अकाडमी के माध्यम से ही आपसे जुड़े हुए हैं। और अब हमारी जो भी क्लास होगी वो हमारे खुद की राजेंद्र आर्ट अकाडमी से होगी। हम आपको बता देना चाहते हैं कि पार्थ से हम कुछ दिन के लिए जुड़े थे। ये हमारी जो राजेंद्र आर्ट अकाडमी थी ये बहुत पहले आज से 6-7 साल पुरानी हमारी ये संस्था है, और अभी तक हमारी जो क्लास हुआ करती थी पार्थ एजुकेशन से पहले हम अपने राजेंद्र आर्ट अकाडमी की में ही हमारी क्लासेस ऑफलाइन हुआ करती थी, और डिजिटल इतनी व्यवस्था उस समय नहीं हो पाई, मतलब हम नहीं किए थे और केवल ऑफलाइन ही हमारी क्लासेस किया होती थी। लेकिन उसके बाद मेरा जब सिलेक्शन हुआ तो फिर उस समय की स्थितियां थोड़ी सी बदली हुई थी, मैं यहाँ रहूँगा कहाँ रहूँगा। कुछ समय के लिए हमने पार्थ एजुकेशन से जुड़े और अपनी सेवाएं दी, और आप सभी लोगों से मिलने का एक अवसर मिला था मुझे। लेकिन इस समय जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो हमारा खुद का राजेंद्र आर्ट अकेडमी, जो हमारी ऑफलाइन की संस्था थी उसके नाम से ये स्टूडियो मेंटेन किया गया है। और इस समय हम अपने निजी चैनल राजेंद्र आर्ट अकाडमी के माध्यम से आपसे जुड़े हुए हैं, इसमें आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और जो लोग इस चीज़ को नहीं जानते हैं आप उन लोगों तक इस चीज़ को बताने का कष्ट करें जिससे कि उन्हें पता चल सके कि हमारी क्लासेस अब किस प्लेटफॉर्म पर चल रही है, किस चैनल पर चल रही है। तो आप सभी लोगों के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि आप लोग अपने लोगों तक शेयर करिए, अपने लोगों तक शेयर करिए जिससे कि हम आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच सके। और आप लोगों के सहयोग से ही हम देख रहे हैं कि हम आपसे जुड़ना जुड़े, इसके लिए आप सभी लोग बहुत ही शुक्रिया के पात्र हैं। तो इसमें देख रहे हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंदन जायसवाल जी, शशांक वर्मा जी, संतोष कुमार जी, सुधा यादव जी, दीपक मध्यसिया जी, अरुणा जी, ममता बघेल जी, बुदगल जी,
और ज्योति कुमारी जी, बबीता सिंह जी, कुसुम यादव जी, आशुतोष यादव जी, मनीष चंद्र जी, मोनिका यादव जी, ज्योति पांडे जी, ममता जी कहना है आप पीजीटी में क्या? जी हाँ बिल्कुल, मैं इसमें गवर्नमेंट इंटर कॉलेज सोनभद्र में कार्यरत हूँ। ठीक है, तो इसके साथ हमारे साथ प्रियंका गुप्ता भी जुड़ चुकी हैं, चंदन जायसवाल भी जुड़ चुके हैं, रवि भी जुड़ चुके हैं, और ममता जी कहना है, ममता मुद्दल जी, ममता जी, भूपेंद्र प्रताप सिंह भी जुड़ चुके हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और रवि जी कहना है कि वैकेंसी कब तक आ रही? सर देखिए, हम आपको बता देना चाहते हैं कि अभी पेपरबाजी हुई है और वहाँ पर सिर्फ नेतागिरी हुई है। जो इस समय आपके पेपर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जो आपको बताया जा रहा है कि वैकेंसी जून में आ रही है, ये अभी कोई ऑथेंटिक जानकारी किसी के पास नहीं है। मैंने ही पहली बार जब अपने इस राजेंद्र और इकोनॉमी पर आए, जब मैंने इसको शुरू किया, मैंने पहले दिन बोला था कि जो पुराने मेंबर चयन बोर्ड के थे उन लोगों ने 2022 के विज्ञापन को अनुमोदित करके गए हैं, नए मेंबर के आने का इंतजार टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन के लिए नहीं करना पड़ेगा। उसी के बाद से मार्केट में न्यूज आने लगी कि अध्यक्ष से मेरी मुलाकात हुई, चयन बोर्ड के सदस्यों से मुलाकात हुई, जून के लास्ट में वैकेंसी आ रही है, ठीक है, और ज़्यादा वैकेंसियों की मांग की जा रही है। ऐसा अभी कोई ऑथेंटिक जानकारी किसी के पास नहीं है कि जून में वैकेंसी आ ही जाएगी, लेकिन वैकेंसी पे काम चल रहा है, वैकेंसियाँ आएंगी, वैकेंसी आएगी, और उसके लिए चयन बोर्ड में मेंबर के आने का इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। ये जो पेपर के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सुन रहे हैं कि वैकेंसी बड़ी जल्दी इस महीने में आने वाली है, तो ये इसलिए यूट्यूब चैनल वालों को अपने चैनल चलाने हैं, जो पेपर में आ रहा है वो जो कुछ नेतागिरी करने वाले लोग हैं वो अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए आपको न्यूज़ दे रहे हैं। आज दे दिए कि लास्ट जून में वैकेंसी आ जाएगी, सपोज करिए जून में नहीं आएगी, जुलाई में आ जाएगी तो बोलेंगे नहीं अब जुलाई के फर्स्ट वीक में आएगी, जुलाई के फर्स्ट वीक में नहीं आई तो लास्ट में बोलेंगे अब जुलाई के लास्ट वीक में वैकेंसी आ ही जाएगी। तब भी अगर नहीं आई, अगर आ गई तो बड़ी अच्छी बात है, आ गई तो ये बोलेंगे कि मैंने बोला था ना कि जुलाई के फर्स्ट वीक में वैकेंसी आएगी तो आ गई ना। अगर नहीं आई तो बोले ये तब कहेंगे कि हमने बोला था ना कि जुलाई के लास्ट में वैकेंसी आएगी, देखो आ गई। तो वो केवल अपने आप को उसका श्रेय लेने के लिए मेरे प्रयासों से वैकेंसी आ गई, वो अनवरत आपको 10 दिन 15 दिन में एक नई डेट बताते रहेंगे। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जो ऑथेंटिक जानकारी है, मैं कभी गलत न्यूज नहीं देता किसी को। अपने चैनल को हमको चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम गलत सूचनाएं देंगे, आप सभी लोगों को भ्रमित करें। हाँ, लेकिन इतनी बात है कि वैकेंसी आएगी, वैकेंसी पे काम चल रहा है। जो पुराने मेंबर चयन बोर्ड के थे उनसे अध्यक्ष जो वर्तमान समय के हैं, उन्होंने 2000 टीजीटी और पीजीटी के विज्ञापन की सीटों को लेकर या विज्ञप्त करने के लिए अनुमोदन ले लिया था, और हो सकता है कि अध्यक्ष महोदय यह इंतजार कर रहे हों कि जो नए मेंबर्स आने वाले हैं वो उनका आने का दिन नज़दीक हो जाए या आ जाए फिर हम विज्ञापन दें, क्योंकि भाई टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है लेकिन पीजीटी में तो इंटरव्यू है, या प्रिंसिपल की वैकेंसी आएगी तो वहाँ तो इंटरव्यू है। तो हो सकता है कि उनके आने का इंतजार कर रहे हो कि उनके आने की तिथियाँ थोड़ा निश्चित हो जाएँ, कौन कौन से मेंबर आ रहे हैं ये निश्चित हो जाए फिर विज्ञापन दें, क्योंकि हो सकता है कि जिस तरीके से विज्ञापन हमारा 2021 टीजीटी और पीजीटी का केवल 6 महीने के अंदर कंप्लीट कर दी गई, उसी तरीके से यह भी वैकेंसी जब भी आएगी बहुत जल्द क्लियर होगी। इसलिए आप लोग के पास समय नहीं है, आप लोगों के पास समय नहीं है, आप ईमानदारी के साथ पढ़िए। विज्ञापन जिस दिन आता है उस दिन से आप मान लीजिए कि आपकी पढ़ाई कमज़ोर हो जाती, कम हो जाती है, और जब उस समय आप ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं तब आप जो होता है खिचड़ी पकाने लगते हैं, मिश्रण करने लगते हैं, वहीं गलतियाँ हो जाती हैं। ममता जी कहना, सर जी RPSC के वैकेंसी जो आई है उसमें निगेटिव मार्किंग है क्या? जी हाँ, वहाँ पे निगेटिव मार्किंग रहती है, ये चीज़ आपको ध्यान दे के जाना पड़ेगा। ठीक है, 1/3 की वैकेंसी वहाँ पे माइनस मार्किंग होती है, ये सारी चीज़ों को आप समझिएगा और अच्छे तरीके से आप जो अच्छे क्वेश्चन हों, जो मतलब जो आपको बहुत कॉन्फिडेंस क्लियर हो उसको आप क्लिक करिएगा। लेकिन अगर दो ऑप्शंस हैं उस पर 50-50 का
आपके पास ऐसे प्रश्न है जो 20 की संख्या है, 15 की संख्या है, और आपको लगता है कि इसमें से दो में से ही एक होगा, तो जब दो में से एक होगा, दो पहले से बाहर है, आप उन दो में से अगर 20 प्रश्न है तो 20 को सही करिएगा, और जो आपको ज्यादा नजदीक लगेगा उस पर मार दीजिएगा, ठीक है, उस पर कुताही मत करिएगा। क्योंकि मैंने देखा कि LTGIC जब एग्जाम में देने गया तो उस समय जो ऑथेंटिक प्रश्न आने वाले थे, जो अच्छी तरीके से आने वाले, किसी को 90 80 से लेकर 85 प्रश्न नहीं आ रहा था। लेकिन हमारे कुछ ऐसे मित्रों ने जो उस 85 80 क्वेश्चन के बाद 25 30 क्वेश्चन पर दिमाग लगाकर तुक्का मारा, तो उस 25 30 में अगर उसका 15 सही हो गया तब भी तो कम से कम 7-8 प्रश्न आगे चला गया माइनस होने के बाद भी। तो अगर दो प्रश्नों पे आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इन्हीं दोनों में से 100% सही होगा, तो उनमें से जो आपको ज़्यादा नज़दीक लगे उसको आप टिक कर दीजिएगा, उसमें आप बिल्कुल कोताही मत करिएगा, क्योंकि 1/3 माइनस मार्किंग है। अगर आपका सही होगा तो एक प्रश्न आ गया, नहीं आया तो एक का केवल 25% नुकसान हुआ। और 25 प्रश्न अगर इस तरीके के हैं, आपने 25 प्रश्न किया और 25 में मान लीजिए सपोज करिए 15 सही हो गया और 10 गलत हुआ, तो 10 का अगर 1/3 माइनस भी करते हैं तब भी आपके पास कम से कम 12-13 नंबर का या 10 नंबर का, 10 प्रश्न का नंबर आपको मिल जाएगा। तो वहाँ भी बिल्कुल कोताही मत करिएगा, लेकिन दो प्रश्न पे आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये दो बिल्कुल नहीं है और इन्हीं दो में से आना है, ठीक है। दीपक मधेसी ने कहना है कि सर पार्ट में जो आर्ट पढ़ा रहे हैं डर, असल वो इतिहास के टीचर हैं, मानते हैं कला में इतिहास का सम्मेलन है लेकिन आर्ट आर्ट है। जी बिल्कुल, देखिए मैं किसी भी टीचर्स की, किसी भी जो आर्ट में पढ़ा रहे हैं कौशल सर, वो तो मैं जब नहीं था, मैं नहीं था, सहयोगी के रूप में हमारे काम करना उन्होंने शुरू किया, और इस समय क्योंकि भाई वहाँ पे पार्थ में कोई टीचर था नहीं, पार्थ में कोई टीचर था नहीं, इतिहास भी उस समय शिवम सिद्धार्थ सर वहाँ पढ़ा रहे थे, शिवम सिद्धार्थ सर भी इस समय पार्थ में नहीं पढ़ा रहे हैं, तो इस समय कौशल जो हैं, कौशल सर जो भी हैं, वो दोनों क्लास को बना के रखे हुए हैं, और आप उस चीज़ को समझ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होनी चाहिए। तो इसके बारे में मैं, बहरहाल कौशल सर भी अच्छे हैं, ठीक है, पढ़ा रहे हैं, तो मैं ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करना चाहता है, करना चाहता हूँ, ठीक है। तो बस ये इतना कहूँगा कि जब मैं था तो एज ए असिस्टेंट के रूप में कौशल सर को रखा गया था शुरू में, उन्होंने क्योंकि मुझे लग रहा था मैं वहाँ से आके पढ़ा सकता हूँ तो प्रैक्टिस सेट कराना शुरू किया था, और आज हमारे अनुपस्थिति में क्लास कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो हम उसको ध्यान में न रख के आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद चंदल भी जुड़ चुके हैं, सुधा यादव, कौशल सर की फ़ोटो लगी है चंदन जी, कहाँ पर लगा है कौशल सर की फ़ोटो? हाँ वो उसमें वहाँ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो आज की जो हमारी टॉपिक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, वे हमने आपको शेयर किया था कि, या आपको पता है, कल हमने कंपनी शैली को शुरू किया था, कल हमने कंपनी शैली को शुरू किया था और कंपनी शैली के बारे में आपको बताया भी था। तो आज हम चलते हैं कंपनी शैली, शैली या पटना शैली या पटना कलम, ये तीन नामों से आपके इस कंपनी शैली को पुकारा जाता है। इस तीन नामों से इस कंपनी शैली को पुकारा जाता है, और इसका जो समय आपको बताया गया वह है 18वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी।
लेकिन कंपनी शैली मुख्य रूप से 19वीं शताब्दी में प्रचलित रही। ठीक है, अब देखिए यहां से आपके कई प्रश्न बनते हैं। अर्शी फातिमा भी जुड़ चुकी हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, क्षमा सिंह भी जुड़ चुकी हैं, वैशाली राजपूत भी जुड़ चुकी हैं। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का हमारा टॉपिक है कंपनी शैली। तो देखिए हम यहीं से कम प्रश्नों को ही लेके चलते हैं, क्योंकि मेरा एक तरीका ही पढ़ाने का, मैं इतिहास बहुत ज़्यादा लॉन्ग तो पढ़ाया नहीं हूँ, जब कंटिन्यू क्लास चलती तब भी, और ये तो क्रैश कोर्स है ही, हम आपको सिर्फ प्रश्नों से जोड़ते हैं। लोग लंबा खींच के, बहुत ज़्यादा लंबा क्लास करके केवल अपने समय को वेस्ट करते हैं, आपके समय को लेते हैं ये दिखाने के लिए कि बहुत ज़्यादा विस्तृत पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा बताते हैं। विस्तृत मैं कई बार बताया, विस्तृत पढ़ने के लिए आप किताबों का सहारा लीजिए, किताब से अच्छा कोई इतिहास नहीं बता सकता आपको, वहाँ से कोई गलतियाँ भी नहीं होंगी। टीचर के पास आप केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जानने के लिए जाते हैं, जो आपके एग्जाम में आने वाले होते हैं उसको जानने के लिए जाते हैं, और मैं उन्हीं से आपको जोड़ने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं एक कंपटीटर रहा हूँ, और कंपटीटर को कोचिंग या किसी मार्गदर्शक के पास जाकर क्या चाहिए, हम उन सारे पहलुओं को जानते हैं और वही सारे पहलू आप तक शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, एज ए कंपटीटर मैं पढ़ाता हूँ और एज ए कंपटीटर आपको समझता हूँ, और उन्हीं दोनों समन्वय को स्थापित करने की कोशिश करता हूँ मैं। इसलिए मेरा पढ़ाने का तरीका एक बहुत अलग होता है, और जिसके कारण लोग कहते हैं कि राजेंद्र सर बहुत शॉर्ट पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत सॉफ्ट और अच्छा पढ़ाते हैं, जो हमें चाहिए वो चीज़ हमको देते हैं, बहुत ज़्यादा घुमाने का प्रयास नहीं करते। ये मेरी शैली है पढ़ाने की। तो हम आपको जोड़ते हैं यहाँ से कंपनी शैली, पटना शैली या पटना कलम, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी और फिर 19वीं शताब्दी, इतने पॉइंट आपको लिखे गए हैं यहाँ पर, और यहाँ से भी कई प्रश्न बनते हैं वो आप देखिए। जैसे ये लिखा है आपके सामने कंपनी शैली, तो इस कंपनी शैली को या इसको कंपनी शैली के नाम से किसने संबोधित किया, कल हमने बताया था, और बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए हम इस प्रश्न को आपसे जोड़ रहे हैं। तो डॉक्टर राय कृष्णदास ने अंग्रेजों के द्वारा संरक्षित कला शैली, जिसका मुख्य केंद्र पटना रहा, और इस शैली के चित्रों का जो मुख्य विषय रहा वो भारतीय ग्रामीण जनजीवन रहा, जबकि इस शैली की चित्रण विधि यूरोपी रही तो, और इसमें तेल और जल दोनों माध्यमों में चित्रों की रचना की गई है। ऐसी शैली को भारत के प्रसिद्ध कला समीक्षक डॉक्टर राय कृष्णदास ने कंपनी शैली के नाम से संबोधित किया था। एक प्रश्न आपका है ये कि कंपनी शैली को कंपनी शैली के नाम से किसने संबोधित किया, तो कंपनी शैली को कंपनी शैली के नाम से डॉक्टर राय कृष्णदास ने संबोधित किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक दो बार कई बार आया हुआ प्रश्न है। उसके बाद हम आपको दूसरे प्रश्न से जोड़ते हैं, ये प्रश्न संख्या आपका एक हो गया। दूसरे प्रश्न से हम जोड़ते हैं पटना शैली, इसको कंपनी शैली के साथ साथ पटना शैली क्यों कहा जाता है। तो इस कंपनी शैली में काम करने का जो कलाकारों का स्थान था, केंद्र था, वह बिहार राज्य की वर्तमान राजधानी पटना थी, और पटना में इसका केंद्र बिंदु होने के कारण इसको पटना शैली के नाम से जाना जाता है। अर्थात दूसरा प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि कंपनी शैली का मुख्य केंद्र क्या था, तो कंपनी शैली का मुख्य केंद्र पटना था, जिसके कारण इसे पटना शैली के नाम से जाना जाता है। यह दूसरा प्रश्न था।
सपोज करिए कि कंपनी शैली या पटना शैली ना लिखा हो तो वहाँ पर पटना कलम लिखा हो तो पटना कलम का भी आशय यहाँ पर कलम से तात्पर्य शैली से होता है, कलम से तात्पर्य शैली से होता है, इसलिए पटना कलम से तात्पर्य कंपनी शैली या पटना शैली के को ही पटना कलम के नाम से भी जाना जाता है। ये तीसरा नंबर यहाँ का था। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि कंपनी शैली कब से कब तक मानी गई है, तो विद्वानों ने बताया कि 18वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक कंपनी शैली का समय बताया गया है, जबकि हमने आपको बताया कि इस कंपनी शैली की जो शुरुआत हुई थी वह लगभग 1890 ईस्वी के आसपास आपके इस कंपनी शैली की शुरुआत हुई थी, 1890 ईस्वी के आसपास कंपनी शैली की शुरुआत हुई थी। पूजा वर्मा भी जुड़ चुकी हैं, सोनी यादव भी जुड़ चुके हैं और चंद्रसेन निषाद भी जुड़ चुके हैं, संदीप द्विवेदी भी जुड़ चुके हैं, संगीता महल भी जुड़ चुकी हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है और आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। तो ये आपका नेक्स्ट प्रश्न है, आप कह सकते हैं कि ये आपका तीसरा प्रश्न है कि कंपनी शैली की अगर सपोज करिए कभी शुरुआत पूछ लिया जाए कि कंपनी शैली की शुरुआत कब हुई थी, ड्यूरेशन पूछ लिया जाए, समय पूछ लिया जाए, तो कंपनी शैली की जो शुरुआत होती है वह सन 1790 ईस्वी में हुआ था, ये ऐसा आपको विद्वानों ने बताया है। उसके बाद आपको जो अगर हम इसके अनुसार चलते हैं तो कंपनी शैली मुख्य रूप से 19वीं शताब्दी में प्रचलित रही ऐसा विद्वानों का मानना है। कंपनी शैली मुख्य रूप से 19वीं शताब्दी की कला शैली मानी जाती है, इस तरीके का विद्वानों ने वर्णन किया है, जबकि कंपनी शैली काफ़ी दिनों तक 19वीं शताब्दी के बाद 20वीं शताब्दी में भी शुरू रही होगी, लेकिन 20वीं सदी से आधुनिक कला का शुरुआत मान लिया जाता है, इसलिए इसको हम 19वीं शताब्दी की कला के रूप में गणना विद्वानों ने किया है। चलिए, हमारे साथ तृप्ति पांडे भी जुड़ चुकी हैं, आपका भी स्वागत है, उमा शंकर भी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। तो इस तरीके से हमारी जो कंपनी शैली है ये विकसित होती है और हमने आपको बताया कि इस कंपनी शैली का जो चित्रण विधान है इसमें जल रंग और तैल रंग, जल रंग एवं तैल रंग दोनों माध्यमों में चित्रों की रचना की गई है इस शैली में, जबकि टेम्परा माध्यम में चित्रों के निर्माण के साथ विद्वानों ने बताया कि कम पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते। तो आपको ये भी नेक्स्ट प्रश्न है कि कंपनी शैली में चित्रों की रचना किस माध्यम में की जाती है, तो जल रंग एवं तैल रंग माध्यम में किया जाता है। और इस कंपनी शैली के चित्रों का जो विषय है, हमने आपको बताया कि भारतीय ग्रामीण जनजीवन ये भारतीय ग्रामीण जनजीवन जो है यह कंपनी शैली के चित्रों का मुख्य विषय माना गया है। और यहाँ पर जो हमारी भारतीय जनता थी उसकी मुख्य रूप से निर्धनता, गरीबी को दर्शाया गया है, उसकी मजबूरी को दर्शाया गया है। और इस शैली की जो चित्रों की विषय है वो तो भारतीय हो गया, लेकिन इसकी टेक्निक जो बताई गई है वह यूरोपीय, अर्थात कंपनी शैली में यूरोपीय तकनीक में भारतीय विषयों को चित्रित किया गया। ये भी नोटेड पॉइंट है, ये भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी शैली है, कंपनी शैली की शुरुआत या कंपनी शैली का जन्म भारतीय शैली एवं यूरोपीय शैली के मिश्रण से हुआ है। मिश्रण से हुआ
अब देखिए ये भी एक प्रश्न है आपके सामने, आपसे पूछा जाता है कि कंपनी शैली का जन्म किससे हुआ, तो कंपनी शैली का जन्म आपके भारतीय शैली एवं यूरोपीय शैली के मिश्रण से हुआ है। ये दिन भारतीय कलाकारों ने और यूरोपीय कला शैली के कलाकारों ने मिलकर आपके इस कंपनी शैली को जन्म दिया, अर्थात इस शैली में आपके यूरोपीय टेक्निक में और भारतीय विषयों को चित्रित करने का काम किया गया है। तो ये जितने भी बोर्ड पे आपके सामने लिखे गए हैं, एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है रायकिण दास, इन्होंने कंपनी शैली को कंपनी शैली नाम दिया। कंपनी शैली के चित्रों के रंगों का विधान या माध्यम क्या रहा, चित्रों का माध्यम क्या रहा, जल रंग एवं तैल रंग दोनों माध्यमों में इस शैली में चित्रों की रचना की गई है। उसके बाद कंपनी शैली का प्रारंभ 1890 ईस्वी के आसपास विद्वानों के द्वारा बताया गया है। कंपनी शैली के चित्रों का विषय जो है भारतीय ग्रामीण जनजीवन बताया गया है। कंपनी शैली की शुरुआत हमने आपको बता ही दी है और यह शैली मुख्य रूप से 19वीं शताब्दी में प्रचलित रही, इतना हमने आपको बताया, ठीक है। संतोष कुमार जी कहना है कि शशांक जी का कि 1790 या 1890, देखिए हमको तो जो मिला है वो 1890 है, ठीक है। 1890 में आपके इस कंपनी शैली की शुरुआत बताई गई है, ठीक। तो आगे अगर आपके कहीं हो सकता कि आपने पढ़ा हो 1790, मेरे माइंड में ना हो, लेकिन हमें नहीं नहीं ठीक है, आपका ही कहना सही है, ये 1890 नहीं बल्कि 1790, सॉरी। ठीक है मेरे ही माइंड में वो नहीं हो रहा था। तो ये 1790 है और 1790 इसीलिए देखिए ये हमें कंफर्म कैसे हो गया माइंड, देखिए ये 18वीं शताब्दी से लेके 19वीं शताब्दी की कला बताएगी। मैं जब इस पे माइंड किया तो ये ध्यान में मेरे आया कि नहीं ये 1800 नहीं बल्कि 1790। ओके ठीक है, थैंक यू आपका संतोष जी और अर्षी जी। ये 1790, ठीक है, 1790 ईस्वी में आपके इस कंपनी शैली का जन्म हुआ है और यह इसीलिए 18वीं, अब मैं भी देखिए यहाँ 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी लिखा हूँ लेकिन दिमाग मेरे उस पर नहीं जा रहा है 17 है या 18 है। तो जब यहाँ मैंने माइंड किया फिर मैंने देखा नहीं ये 17 है, तो ये 1790 से आगे बढ़कर ये मतलब 18वीं और 19वीं शताब्दी के मध्य की यह शैली मानी गई, लेकिन मुख्य रूप से यह 19वीं शताब्दी में प्रचलित रही। अब आगे चलते हैं, तो इस प्रकार के शैली में, इस प्रकार की जो शैली रही, इस शैली के चित्रों की खोज कब की गई, तो आपको बताया गया कि कंपनी शैली के चित्रों की खोज सन 1943 ईस्वी में पीसी मानक नामक विद्वान ने की थी। ठीक है, देखिए यहां से भी दो प्रश्न आपके हैं, कि आपसे पूछा जाता है कि कंपनी शैली की खोज किसने की या कंपनी शैली के चित्रों की खोज किसने की, ये हो जाएगा पीसी मानक, लेकिन अगर पूछा जाए कब की गई तो ये हो जाएगा 1943 ईस्वी। दो प्रश्न यहां से भी है, पहला और ये दूसरा, आप प्रश्नों से ही जुड़ते चले जाइए। इसके साथ साथ आपको यह बताया गया कि जब इन्होंने चित्रों की खोज की, बताया कि ये जो कंपनी शैली है यहाँ पर फीके रंगों में, मटमैले रंगों में चित्रों की रचना ज़्यादा की गई। अब इसका मुख्य रीजन क्या था कि भारतीय गरीबी को यहाँ पे दर्शाना था, भारत के जो गरीब लोग हैं फटे पुराने कपड़े पहने रहते हैं, गंदे रहते हैं, अगर उनको हम चटकीले रंगों में अगर चित्रित करते तो उनके जो कपड़े होते, जो उनके फेस होते, वो क्या करते, चमकीले नज़र आते, जिसके कारण उस समय कलाकारों ने उनके भाव को व्यक्त करने के लिए, इन्होंने मटमैले रंगों का प्रयोग किया। नोट करिएगा इस चीज को,
की कंपनी शैली के कलाकारों ने मटमैले रंगों का प्रयोग किया, और यहाँ भी जो रेखाएं खींची गई कंपनी शैली के चित्रकारों ने जो रेखाएं खींची वह मोटी रेखाएं खींची, मिस्र रेखाएं यहाँ की जो थी वह मोटी बनाई गई, भावहीन, जिसमें बहुत ज़्यादा भाव परिलक्षित नहीं होता है। इस तरीके का यहाँ के कलाकारों ने निर्माण किया। अब आपको बता दें कि यहाँ पर जो मटमैले रंग प्रयोग किए गए, ज़्यादातर उन मटमैले रंगों में भूरा, हरा, गुलाबी एवं स्याही रंग, भूरा, हरा, गुलाबी और स्याही रंगों का प्रयोग आपके इस कंपनी से लेके कलाकारों ने ज़्यादातर किया है। इस तरीके से इन रंगों को जल रंग माध्यम एवं तैल रंग माध्यम में चित्रित करके चित्रों की रचना यहाँ पर कलाकारों ने किया। उसके साथ साथ कंपनी शैली के कलाकारों ने चित्र धरातल के रूप में, कंपनी शैली के कलाकारों ने इन मटमैले और मोटे रंगों की रेखाओं से, मोटी रेखाओं के माध्यम से जिस धरातल पर चित्रों की रचना किया, वे धरातल के रूप में कागज एवं हाथी दांत, हाथी दांत के पट्टियों एवं कागज पर यहाँ के कलाकारों ने मुख्य रूप से चित्रों की रचना की। और विषय के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं कि यहाँ पर टेम्परा माध्यम में बहुत ज़्यादा चित्रों की रचना नहीं की गई थी, ये भी हम आपको बता चुके हैं। ज़्यादातर हम यहाँ पर चित्र जो बने वे जल रंग माध्यम में और तैल रंग माध्यम में इस शैली में चित्रों की रचना की गई है, ठीक है। इसके बाद ये जो चित्र यहाँ पर बनाए जाते थे कंपनी शैली में, कंपनी शैली में टेम्परा माध्यम में, माध्यम में चित्रों की रचना ना होकर अधिकांशतः अधिकांशतः तैल रंग माध्यम एवं जल रंग माध्यम, जल रंग माध्यम, जल रंग माध्यम में चित्रों की रचना की गई, चित्रों की रचना की गई, चित्रों के धरातल के रूप में, चित्रों के धरातल के रूप में हाथी दांत की पट्टियों, हाथी दांत हाथी दांत की पट्टियों एवं कागज पर, कागज पर अधिक चित्र बने, अधिक चित्र बने। अब देखिए यहाँ पे भी दो तीन प्रश्न आपके काम के हैं। अगर आपसे यहाँ पर ये पूछ लिया जाए किस माध्यम में चित्रों की रचना नहीं हुई है, जो विद्वान ने बताया था यहाँ पर टेम्परा माध्यम में कंपनी शैली में चित्रों की रचना नहीं हुई या बहुत कम माध्यम में हुई, ठीक है। शशांक वर्मा जी कहना पीसी मानक ने 1943 ईस्वी में शिवलाल के चित्रों की खोज की थी, जी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जगदीश पांडे भी जुड़ चुके हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। चलिए ये आप देखिए कि यहाँ आपको यह ध्यान देना है कि कंपनी शैली में चित्रों की रचना नहीं हुई या बहुत कम हुई। इस शैली में ज़्यादातर या अधिकांशतः तैल रंग माध्यम, आपसे पूछा जाएगा कि कंपनी शैली में ज़्यादातर चित्रों की रचना किस माध्यम हुई, तो तैल रंग माध्यम एवं जल रंग माध्यम में कंपनी शैली में ज़्यादातर चित्रों की रचना हुई है, और धरातल के रूप में
ये चित्र कहाँ पे बनाए गए? जो धरातल प्रयोग किया गया है उसमें से हाथी दांत की पट्टियों या कागज पर अधिकांशतः चित्रों की रचना यहाँ पर की गई, कंपनी शैली में यहाँ पर चित्रों की रचना की गई। और यहाँ पर जो चित्र बनाए गए कंपनी शैली में, जो चित्र बनाए गए उनके आकार भी विद्वानों ने निश्चित किए, या कंपनी शैली में एक निश्चित आकार के चित्रों की रचना की जाती थी, जिसमें आपको बताया गया कि जो कंपनी शैली में छोटे या सामान्य आकार के सामान्य 8x6 या सामान्यतः 8x6 आकार के चित्र बनाए गए। जबकि कंपनी शैली में में 22x18 या 18x22 आकार के बड़े आकार के चित्र बनाए गए थे, बड़े आकार के चित्र बनाए जाते थे। देखिए, दो यहां से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सॉरी, ये 18x16 है ना कि 22x16। तो यहाँ पे दो बड़े प्रश्न हैं, आपको ध्यान देना है कि कंपनी शैली में जो छोटे या सामान्यतः आकार के जो चित्र बनाए गए वह 8x6 आकार की बनाई गई, लेकिन कंपनी शैली में जो बड़े चित्र बनाए गए वह 16x22 आकार के बनाए गए। यह भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब बात बनती, चलिए ठीक है, ये बड़े आकार के हैं या आप कह सकते हैं छोटे आकार के हैं, जो चित्र बनाए जाते थे, तो ये जो चित्र था ये क्या खुले आकार के बनाए जाते थे या स्वतंत्र बनाए जाते थे, या एक एक चित्र करके बनाए जाते थे, या चित्रों को, इसके धरातल को कैसे मेंटेन किया जाता था? ठीक है, तो देखिए, आपके अरुणा जी कहना है कि कंपनी शैली के अन्य केंद्र कौन कौन से थे। कंपनी शैली के केंद्रों में बहुत है, जैसे पटना हो गया, मुर्शिदाबाद हो गया, लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है, बंगाल हो गया, बहुत सारे क्षेत्रों में ये बाद में यह कंपनी शैली पनपी थी, लेकिन इसका जो मुख्य केंद्र था वह पटना ही था। ठीक है अरुणा जी, उसके बाद शशांक वर्मा जी कहना है कि बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, गढ़वाल, राजस्थान, नेपाल, महाराष्ट्र आदि कंपनी शैली के प्रमुख केंद्र थे। जी, वही हमने आपको बताया कि बंगाल, गढ़वाल आप कह सकते हैं, महाराष्ट्र क्या दिल्ली कह सकते हैं, और लखनऊ कह सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारे मुख्य केंद्र यहाँ के थे। अब जब उस समय की कला थी, 20वीं शताब्दी की कला थी, तो काफ़ी स्थानों पर प्रचलित हुई थी ये, लेकिन मुख्य रूप से इनकी जो गणना होती, दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, आपका मुर्शिदाबाद हो गया, पटना हो गया, बंगाल हो गया, इन सब स्थानों पर ये मुख्य रूप से प्रचलित थी, बाकी इनका क्षेत्र भी बहुत आगे बढ़ चुका था। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, तो अब ये बताते हैं कि ये जो 8x6 आकार के चित्र यहाँ पे बनाए गए, अब इन चित्रों को या कंपनी शैली में चित्रों को निर्माण करने के लिए एक फिरके का भी निर्माण किया जाता था। फिरका मीन्स एल्बम आप कह सकते हैं, वहाँ पर 10, 12 या 14 कंपनी शैली में चौदह चित्रों को एकत्रित कर एक साथ
भी निर्मित किया जाता था। किया जाता था जिसे फिरका के नाम से जाना जाता है, जिसे फिरका कहा जाता था या कहा जाता है। देखिए, आपको कंपनी शैली में 10 या 12 या 14, 10, 12 या 14 निश्चित नहीं, कभी किसी में 10 भी हुआ करता था, किसी में 12 हुआ करता था, किसी में 14 हुआ करता था। इन शैली में कागजों के चित्र बनते थे, 10, 12 या 14 चित्रों का एक सेट तैयार कर लिया जाता था। इन सेटों को फिरका के नाम से जाना जाता था। तो आपसे पूछा जाता है ये फिरका क्या होते थे, ये कागज पर बनाए गए कई चित्रों के संकलन को हम लोग फिरका के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर इस शैली में आपको बता दें कि ज़्यादातर सभी चित्रों का निर्माण किया जाता था। कंपनी शैली में ज़्यादातर सभी चित्रों का निर्माण किया गया, कंपनी शैली में अधिकांशतः सभी चित्रों का निर्माण किया जाता था। कंपनी शैली में सभी या व्यक्ति चित्र चित्र डेढ़ चश्म डेढ़ चश्म बनाया जाता था। ये भी दो पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यहां पर जो ये चित्र है ये डेढ़ लिखा हुआ है, आप लोग इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डेढ़ चश्म, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कंपनी शैली में अधिकांशतः किस प्रकार के चित्रों की रचना की गई, तो कंपनी शैली में ज्यादातर सभी चित्रों की रचना की गई। और यहां पर जो सभी बनाए जाते थे या सभी या व्यक्ति चित्र बनाए जाते थे वे डेढ़ चश्म बनाए जाते थे। कंपनी शैली में जो सभी बनाए गए वे ज्यादातर डेढ़ चश्मे बनाए गए, यह भी आप सभी लोगों को याद करना है। इस प्रकार से हमारी जो कंपनी शैली थी यह ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा संरक्षित कला शैली थी, और इस शैली को अंग्रेज अधिकारियों का संरक्षण प्रदान था, ऐसा प्रश्न कई बार आ चुका है। और इस शैली में काम करने वाले कलाकार प्रारंभ में ब्रिटिश के थे, लेकिन बाद में भारतीय कलाकारों ने इस शैली में चित्रों की रचना करना प्रारंभ किया था, जिनमें से पहला प्रारंभिक उत्कृष्ट चित्रकार सेवकराम जो इस शैली का आप कह सकते हैं कि प्रसिद्ध चित्रकार माना जाता है या प्रथम उत्कृष्ट चित्रकार माना जाता है, वह सेवकराम है। सेवकराम के अलावा हुलासलाल या फकीर चंद, बहुत सारे ऐसे कलाकार थे, ठीक है, जिन्होंने इस शैली को आगे बढ़ाने का काम किया था। तो इसमें दो लच्छो बीबी जैसी महिला कलाकार या दो यहाँ पर महिला चित्रकारों ने चित्रण कार्य किया था, हम इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। लेकिन हम थोड़े बहुत आपको इस शैली का जो प्रारंभिक उत्कृष्ट चित्रकार है सेवकराम, कंपनी शैली का पहला उत्कृष्ट चित्रकार
उत्कृष्ट चित्रकार सेवाक्राम थे। कंपनी शैली का पहला उत्कृष्ट चित्रकार, आपसे पूछा जाएगा कि कंपनी शैली में पहला उत्कृष्ट चित्रकार कौन था या कंपनी शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार कौन माना जाता है, तो उसमें आपके सेवाक्राम का नाम आता है। ये सेवाक्राम जो जिनका जन्म 1770 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1830 ईस्वी में हुई थी, आप लोग नोट भी कर सकते हैं कि सेवाक्राम का जन्म 1770 ईस्वी और मृत्यु 1830 ईस्वी में हुई, 1770 और 1830 इसका आप लिख सकते हैं, 1770 फिर 1830। ये इसका जीवन काल रहा और इसी जीवन काल में अर्थात 1770 से 1830 ईस्वी के मध्य आपके सेवक राम ने कंपनी शैली को अपनी सेवाएं दी और यह प्रारंभिक उत्कृष्ट चित्रकार कंपनी शैली का माना जाता है। और इसके द्वारा बनाए गए प्रमुख चित्रों में कंपनी शैली में सेवक राम नामक चित्रकार के द्वारा बनाए गए उत्कृष्ट चित्रों में दुर्गा पूजा, मुहर्रम, विवाह दृश्य, झूला, छठी पूजा, सोनपुर का दृश्य आदि ऐसे चित्र हैं जो आपके सेवक राम ने कंपनी शैली में बनाया था। इसके साथ साथ एक अन्य चित्रकार था हुलास लाल। हुलास लाल हुलास लाल कंपनी शैली का सेवक राम के अलावा एक अन्य उत्कृष्ट चित्रकार था और इस सेवक राम को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने दरबार में दरबारी चित्रकार के रूप में नियुक्त किया था। हुलास लाल को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने दरबार में कलाकार के रूप में नियुक्त किया था के रूप में नियुक्त किया था नियुक्त किया था देखिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए है। आपसे पूछा जाता है कि वह कौन सा ऐसा कलाकार है, प्रियोस भी हमसे जुड़ चुके हैं, नीलम गौतम भी जुड़ चुके हैं, कुमकुम गंगवार भी जुड़ चुके हैं, आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। चलिए आपको हम बता रहे थे कि ये जो हुलास लाल हैं ये भी कंपनी शैली के एक उत्कृष्ट चित्रकार हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अरुणा जी कहना है कंपनी शैली से ही बाजारीकरण शुरू हुआ था। कंपनी शैली मिस बाजारीकरण आप कह सकते हैं कि उस समय ज़्यादातर जो कलाकार थे वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कुलीन महिलाएं थी, ठीक है, उनका छोटे छोटे चित्र बनाकर बेचना और भी सारी चीज़ें, तो बाजारीकरण तो सही बात है वहाँ से शुरू हो जाती है चित्रों के निर्माण में, ठीक है, मतलब कि आप इनके चित्र जो है बाजार में बिकने लगते हैं, ठीक है। और आप कह सकते हैं कि आप देखते हैं कि राजा रवि वर्मा इसी कंपनी शैली के कलाकार थे जिन्होंने अपने चित्रों को देवी देवताओं के चित्रों को बनवाकर बेचकर पैसा अर्न किया और अधिकांश उसमें घरों में राजा रवि वर्मा के चित्र पाए जाते थे। तो ये सब बाजारीकरण का ही एक उदाहरण है, ठीक है, तो बाजारीकरण भी यहीं से शुरू हो जाता है। तो हमने आपको बताया कि ये जो हुलास लाल हैं, शशांक वर्मा जी कहना है अभी नहीं, टेक्निकल आर्ट के लिए TGT में BEd जरूरी है क्या, प्लीज़ सर बताएं। जी नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी जो पुराना सिस्टम था उसी सिस्टम पे चल रहा है, जिस तरीके से पहले था उसी तरीके की सारी योग्यताएँ रहेंगी, अभी कोई बदलाव की सूचना नहीं है। तो देखिए हमने आपको बताया कि जो हुलास लाल हैं ये कंपनी शैली के ऐसे कलाकार थे जिनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने राजदरबार में
दरबारी चित्रकार के रूप में नियुक्त किया था, और इस कलाकार ने अपने चित्रों को बेचने के लिए, जैसे कि बाजारीकरण, जैसे अरुणा जी का भी कहना था, तो बाजारीकरण में चित्रों को बेचने के लिए हुलास लाल ने एक लिथोग्राफी प्रेस भी लगाया था। और ये बांकीपुर में, आप कह सकते हैं, कभी कभी प्रश्न आता है कि बांकीपुर में प्रेस की स्थापना किसने की थी, क्योंकि राजा रवि वर्मा ने पहला प्रेस लगाया था। बाकी बाद में आपके ये जो हुलास लाल हैं, इन्होंने भी एक बांकीपुर में लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की थी। आशियम बिजनेस का कहना है, सर हमें आपकी बुक चाहिए। देखिए, आपको हमारी बुक लेने के लिए आप या तो मार्केट में चले जाइए, मार्केट में मिल जाएगी, नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 94-52-81-37-78 पर फ़ोनपे से पेमेंट करके आप उसकी शार्ट स्क्रीन हमारे उसी पे सेंड कर दीजिए, अपना पूरा एड्रेस सेंड कर दीजिए, हम पब्लिकेशन से आपकी बुक को भिजवा देंगे। ठीक है, आपको अगर इस तरीके का, आप क्या करिए कि हमारे इस 94-52-81-37-78 इस नंबर पे मेरा व्हाट्सएप चलता है, आप इस नंबर पे, और इस नंबर पे हमारा फोन पे भी चलता है, आप इस नंबर पर पेमेंट करके, बुक की पेमेंट करके, और मार्केट में आप जाएंगे, अगर हमारी जो पहली बुक है कला का संक्षिप्त इतिहास, वह आपको लगभग 200 रुपये की मिलेगी, और जो हमारा कला ग्रंथ एक समग्र अध्ययन है, यह बुक हमारी जो है, जो एक मिनट हम आपको दिखा दें, यहाँ पे कोई बुक है, ये जो कला ग्रंथ एक समग्र अध्ययन है, ये जो आपके सामने दिख रही है, ये जो हमारी बुक है, यह मार्केट में इसका जो रेट है वो लिखा है, क्या है, लगभग 650 रुपये। इसका जो रेट लिखा हुआ है वह 650 रुपये है, मार्केट में जाएंगे आपको जो भी मिले, लेकिन आप अगर पब्लिकेशन से मंगाएंगे तो वो आपको लमसम 450 की मिल जाएगी, 450 रुपये की आपको वह बुक मिल जाएगी। आप जहाँ पे होंगे उस बुक को चाहे अमेजन से भी ले सकते हैं, अगर अमेजन से ले सकते हैं तो अमेजन से ले लीजिए, नहीं अगर इस पर कर देंगे तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगी। तो आप क्या करिए कि 450 रुपये पेमेंट करके कम से कम 60-70 रुपये जो भी इस पोस्ट का पेमेंट लगता है उसको भी उसमें जोड़ दीजिएगा। उसको जोड़ने के बाद मतलब कुल मिला के आपको 550 रुपये पहले बुक को के लिए, कला ग्रंथ एक समग्र अध्ययन के लिए आपको देना है, जिससे तक वह आप तक भेज दी जाएगी। आप ले कर देंगे एड्रेस के साथ, मैं पब्लिकेशन तक उसको आपके मैसेज को पहुंचा दूंगा, वो आपके पास सेंड कर देंगे। ठीक है, तो हम चल रहे थे आपके पास कि हुलास लाल, तो ये हुलास लाल नामक कंपनी शैली के चित्रकार ने बांकीपुर में एक लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना भी की थी। देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ये महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है, ये दो तीन पॉइंटों के लिए ये कलाकार और ये पूछे गए प्रश्न हैं कि वह कौन सा ऐसा कंपनी शैली कलाकार था जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज अधिकारियों ने अपने दरबार में दरबारी नियुक्त किया था, तो हुलास लाल थे। ये देखिए, हमने आपको बताया कि कंपनी शैली ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको अपने राज दरबार में एक कलाकार के रूप में नियुक्त किया था। दूसरा कि बांकीपुर में किस कंपनी शैली के कलाकार ने एक लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की थी, तो आपके हुलास लाल ने किया था, जबकि पहला लिथोग्राफर भारत का राजा रवि वर्मा को माना जाता है, जिन्होंने सर 1894 ईस्वी में, ठीक है, अपना घाटकोपर नामक स्थान पर एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। इस प्रकार से कंपनी शैली के बहुत सारे
कलाकार थे और इस शैली के जो अंतिम कलाकार माने जाते हैं वह ईश्वरी प्रसाद, कंपनी शैली के अंतिम चित्रकार जो माने जाते हैं वह ईश्वरी प्रसाद हैं। लेकिन कंपनी शैली के अन्य कलाकारों के नाम आप लिख लीजिए। कंपनी शैली के अन्य कलाकारों में झूमकलाल, फकीरचंद, शिवलाल, शिवदयाल, सुनीलाल, मुकुंदलाल, वंशीलाल, ईश्वरी प्रसाद, गोपाल दास, ढल्लूलाल, लालचंद, गोपालचंद, केहर सिंह आदि ऐसे चित्रकार हैं जो आपके कंपनी शैली में काम कर रहे थे। हम आपको केहर सिंह के बारे में बताना चाहते हैं, नोट कर लीजिएगा। केहर सिंह एक ऐसे चित्रकार थे जो सिख चित्रकार के रूप में इसकी गणना होती है, या कंपनी शैली का एक सिख चित्रकार के नाम बताइए। तो कंपनी शैली का एक सिख चित्रकार के रूप में केहर सिंह का नाम आता है। और ये हमारी जो कंपनी शैली है या केहर सिंह नामक चित्रकार के साथ ही अमृतसर पहुंची थी, अर्थात अमृतसर में भी हमारी कंपनी शैली प्रचलित थी और अमृतसर में कंपनी शैली को ले जाने का काम अमृतसर का एक सिख चित्रकार केहर सिंह ने किया था। ये आपको नोट करना होगा, याद करना होगा। सुधाकर द्विवेदी भी जुड़ चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलिए, इसके साथ साथ आपको हम बता देना चाहते हैं कि इन कलाकारों के अलावा आपको हम बता देना चाहते हैं कि दो महिला चित्रकार भी, कंपनी शैली की दो महिला चित्रकार, कंपनी शैली की दो महिला चित्रकार कौन कौन सी थी? सोना बीबी और दक्षो बीबी। सोना बीबी और दक्षो बीबी दो कंपनी शैली की महिला चित्रकार थी। आपसे पूछा जाता है कि कंपनी शैली की दो महिला चित्रकारों के नाम बताइए, और ये दोनों जो महिला चित्रकार थी वह कंपनी शैली के जो प्रसिद्ध चित्रकार थे बाबू शिवलाल, ये दोनों महिला चित्रकार कंपनी शैली के प्रसिद्ध चित्रकार बाबू शिवलाल की बहनें थीं। बाबू शिवलाल, ये बाबू शिवलाल की बहन थी। ये दोनों कलाकार जो थी वह आपके कंपनी शैली के प्रसिद्ध चित्रकार बाबू शिवलाल की बहन थी, ये आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, चाहे आप अब दक्षो देवी कहिए, वहां पे लिखा था बीबी, ठीक है, दक्षो देवी तो हम लोग अपने से लिख देते हैं, तो वहां पे आपको देखना होता है कि दक्षो बीबी और सोना बीबी, ठीक है, ये लिखा रहता है, ये आपको देखना है अर्षि जी, ठीक है। आप अगर दक्षो देवी भी याद कर रहे हैं तो कोई बुरा नहीं है, वो भी सही है। इस प्रकार से आपको बता देना चाहते हैं कि जो यह शैली कंपनी शैली थी, जब अमृतसर पहुंची तो अमृतसर, अर्थात अभी अरुणा जी या किसी का एक समय था कि यह शैली के जो प्रमुख केंद्र थे, तो अब देखिए पटना के साथ साथ इसका प्रमुख केंद्र अमृतसर भी हो गया। अमृतसर के अलावा हम आपको बता देते हैं नेक्स्ट जो प्रसिद्ध केंद्र था वह था बनारस। बनारस में भी आप ये जो कंपनी शैली तेजी के साथ विकसित हुई, और बनारस में कंपनी शैली को संरक्षण देने वाला सर्वाधिक प्रसिद्ध जो शासक माने गए उनका नाम था राजा ईश्वरी नारायण सिंह। राजा ईश्वरी नारायण सिंह के समय में बनारस में यह कंपनी शैली तेजी के साथ विकसित हुई थी, या राजा ईश्वरी नारायण सिंह ने बनारस में कंपनी शैली को सर्वाधिक संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये कंपनी शैली की कुछ विशेषताएं थी। सुधा यादव कहना था है कि ये उनकी
बाटी थी, मिस बेटी थी। अभी तक हमको जो भी मिला है वो यही मिला है कि ये दोनों उनकी बहन थी। ठीक है, अगर बेटी हैं तो आप उसको देख लीजिएगा जी। हुलास लाल भी बनारस के थे लेकिन वो बनारस के चित्रकार थे। हमने ये भी शासक का नाम बताया। किस राजा ने इसको ज़्यादा संरक्षण प्रदान किया? तो राजा ईश्वरी प्रसाद ने, राजा ईश्वरी प्रसाद ने ये कंपनी शैली को सर्वाधिक अधिक संरक्षण प्रदान किया था। अब देखिए, जैसे हमने आपको बताया कि ये बाबू शिवलाल की दोनों बहनें थीं, ठीक है, बाबू शिवलाल की ये दोनों बहनें थी। उसी प्रकार से इस कंपनी शैली का जो अंतिम चित्रकार थे, कंपनी शैली के जो अंतिम चित्रकार थे ईश्वरी प्रसाद, ठीक है, यह विद्वानों के द्वारा बताया गया है कि ये शिवलाल के क्या थे, पुत्र थे। अर्थात चित्रकार शिवलाल के जो पुत्र थे वह ईश्वरी थे, जो कंपनी शैली के अंतिम चित्रकार थे, या कंपनी शैली के अंतिम चित्रकार ईश्वरी प्रसाद के पिताजी जो कलकत्ता आर्ट स्कूल के भूतपूर्व, कलकत्ता आर्ट स्कूल के भूतपूर्व अध्यक्ष भी थे, उनके पिता थे। ये भी आपको देखना है। तो अभी तक हमको जो भी मिला ये इनके पुत्र थे ईश्वरी नारायण सिंह, और उनकी जो बहनें थीं मतलब आपके शिवलाल के, वह दक्षो बीबी और सोना बीबी। ठीक, आपकी बुक में है सर, ठीक है, आप हमारी बुक में है, आप देख लीजिएगा। हो सकता है कि मुझे ही इस चीज का ना हो, मैं बहन ही दोनों लोग को मान लिया हूँ, क्योंकि इनके जो लड़के हैं, इनके जो लड़के हैं ईश्वर नारायण सिंह जो कंपनी शैली के अंतिम चित्रकार हैं, हो सकता है कि सही बात आप कह रहे हो कि ये ईश्वर नारायण उनकी बहन जो है वह दोनों चित्रकार रहे हों, लेकिन मेरे दिमाग में भी बहन ही था। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, आपने माइंड किया होगा। तो इस प्रकार से जो हमारी कंपनी शैली थी यह भारत की भारतीय और यूरोपीय कला शैली के मिश्रण की शैली थी, जिसको राय कृष्णदास ने कंपनी शैली संरक्षण प्रदान किया था। और इस शैली को पटना शैली या कलम शैली के नाम से जाना जाता है। और इस शैली के जो कलाकार थे, आप कह सकते हैं कि जो कंपनी शैली के कुशल चित्रकार थे, कंपनी शैली के कुशल चित्रकारों को शाही मुसाविर, कंपनी शैली के कुशल कलाकार को शाही मुसाविर के नाम से जाना जाता है, जबकि साधारण चित्रकार को, कंपनी शैली के साधारण चित्रकार को नक्काश के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ लिख सकते हैं कि कंपनी शैली के, या लिख लीजिए आप लोग, कंपनी शैली के कुशल चित्रकार को शाही मुसाविर, और जो साधारण चित्रकार था उसे नक्काश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए, सुरेश कुमार भी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। तो इस प्रकार से ये हमारी कंपनी शैली रही। तो कंपनी शैली के बारे में आपने देखा, और मैं आपको मैक्सिमम जितने भी आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनसे जोड़ा, बल्कि कंपनी शैली को मैंने काफ़ी गहराई से बता दिया, जिस तरीके से हमको इस क्रैश कोर्स में नहीं बताना चाहिए था, काफ़ी हद तक हमने आपको बता दिया। और आशा करता हूँ कि मैं यहाँ से आने वाले अधिकांश प्रश्न आप आसानी से कर लेंगे। कुछ बचता है सिर्फ यहाँ से, अगर हम आपको कुछ चित्र बता दें, कंपनी शैली के कुछ चित्र अगर हम आपको बता दें, तो आप ये मान लीजिए कि कंपनी शैली आपकी फिनिश हो जाती है, और अच्छी तरीके से फिनिश हो जाती है। अगर आप चित्रों में देखना चाहते हैं या उनके चित्रों के विषय देखना चाहते हैं, तो टोकरी बुनने वाले, हमने आपको पहले बताया था, चक्की पीसने वाले, मछली बेचने वाले, लोहार, दर्जी, ये सब जो थे ये यहाँ के थे। तो इस तरीके से ये कंपनी शैली हमारी यहाँ से समाप्त होती है। तो हम आपको 10 मिनट में या 5 से 10 मिनट में दोबारा आपको मिलते हैं, और दोबारा हमारा जो टॉपिक होगा वह होगा बंगाल शैली। हमने कंपनी शैली, इस कंपनी शैली के पहले हमने आपको देखा था तंजौर शैली, मैसूर शैली, कालीघाट शैली, फिर कंपनी शैली। तो एक जो कंपनी शैली अभी तक हमने पढ़ा, जो आधुनिक काल और मध्यकाल की जो कला शैलियों के बीच में या इतिहास के बीच की जो कला शैलियाँ थीं उनको हमने पढ़ा। अब हम देखेंगे कि भारत की आधुनिक कला शैली की पहली शैली बंगाल शैली, जिस शैली से हमें आधुनिक कला की शुरुआत की जानकारी प्राप्त होती है, हम इसका अध्ययन करते हैं। 10 मिनट आप लोग, 10 मिनट के लिए ब्रेकअप रहेगा, उसके बाद 10 मिनट बाद तुरंत फिर से टाइम इसमें है क्या 11-12 बजने वाले हैं, तो 12:05 या 12:10 से पुनः क्लास स्टार्ट होगी, आपको दूसरी लिंक भेजी जाएगी, 10 मिनट आप लोग वेट करें। तब तक के लिए आप सभी को हमारा नमस्कार।